थाना इस्लामपुरा में वकला पर एफआईआर दर्ज करने का मामला। वकला ने सेशन कोर्ट के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले, थाना इस्लामपुरा में वकला पर एफआईआर दर्ज करने का मामला है, जिसके हवाले से वकला ने सेशन कोर्ट के तमाम दरवाजे बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले, वकला ने साइलीन को अंदर जाने से भी रोक दिया है। साइलीन इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। वकला इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। इस्लामपुरा में वकला पर एफआईआर दर्ज करने का मामला था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा से, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी जैनब, इस्लामपुरा थाना में जो है वो वकला के ऊपर इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किए गए थे, जिसके खिलाफ वकला जो है वो गुज़श्ता 4 रोज से जो है वो सरापा एहतजाज है। उनका ये मुतालबा है कि फिलफौर जो है वो एफआईआर फौरी जो है वो खत्म की जाए, और इसके साथ साथ वकला ने पहले भी जो है वो सेशन कोर्ट के दरवाजे बंद करके जो अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाया। आज दोबारा से जो है वो वकला सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि जब तक एफआईआर दर्ज जो है वो दर्ज की गई है, उनको वापस नहीं लिया जाता, उस वक्त तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। अदालती अमले को जो है वो अब दाखिले की इजाजत दे दी है, ताहम साइलीन को जो है वो अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, जिसकी वजह से सैकड़ों केसेस की समाज जो है वो बगैर कार्रवाई 4 रोज से मुलतवी हो रही है। ताहम इस सिनेरियो के अंदर एक दफा जो है वो एस पी सिटी के साथ वकला के मुतालबात हुए, ताहम वो भी मुतालबात जो थे वो भी नाकाम हो गए, जिसके बाद जो है वो अब वकला सरापा एहतजाज है। आज 11 बजे के करीब जो है वो जनरल हाउस लाहौर बार का इजलास भी होगा, उसके अंदर जो है वो आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अर्शद अली आपका।